नमस्कार, मैं डॉक्टर शलाका इंगळे, वंधित्व विशेषज्ञ और फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आई एम डायरेक्टर एट समर्था फर्टिलिटी एंड फिटल मेडिसिन सेंटर, नागपुर। आज के लाइव सेशन में हम बात करने वाले थे सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी के बारे में। सॉरी कि हम वो सेशन कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट मैंने सोचा कि जो टॉपिक आज मैं लाइव सेशन में कवर करने वाली हूँ वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ। डेली रूटीन में ओपीडी में कई तरह के पेशेंट्स आते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि मैडम क्या मेरे बेबी के हार्ट बीट आ गए हैं, कि क्या मेरे बेबी के हाथ पैर फेस तैयार हो चुका है या नहीं, मेरे कोई फ्रेंड ने 3D 4D सोनोग्राफी की है, कि क्या मैं भी वो सोनोग्राफी कर सकती हूँ, क्या मुझे वो सोनोग्राफी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आइए आज हम एक प्रेगनेंसी की जर्नी करते हैं सोनोग्राफी के नज़रिए से, रेशमा के साथ। रेशमा ये एक काल्पनिक नाम है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेशमा के पीरियड्स मिस हो गए और उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसपे उसे दिखाई दिए दो लाइन्स। रेशमा बहुत खुश हो गई, बट उसके आगे क्या, वो सोचने लगी अब मैं क्या करूं, मैं कब जाके मेरे डॉक्टर से मिलूं। यहाँ पे आता है आपकी प्रेगनेंसी के पहले सोनोग्राफी का रोल। आपके जब पीरियड्स मिस होते हैं उसके 1 से 2 हफ्ते में आपको अपनी पहली सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। क्यों ये सोनोग्राफी उस टाइम पे क्यों करवानी है? पहले प्रेगनेंसी के में जो पहली सोनोग्राफी होती है उसमें क्या ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या बाहर है, ये देखा जाता है। प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होना मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि एक मेडिकल या फिर सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है। दूसरी बात देखी जाती है क्या प्रेगनेंसी एक बेबी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे कि ट्वीन्स, ट्रिपलेट्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये प्रेगनेंसी वायबल है, मतलब क्या इसमें हार्ट बीट है या नहीं। इसीलिए ये सोनोग्राफी करनी बहुत जरूरी है, जो कि आपके पीरियड मिस होने के 1 से 2 हफ्ते में आप कर सकते हैं। रेशमा ने ये सोनोग्राफी कर ली है, अब उसे बताया गया कि आपको 3rd महीने में आना है आपके एनटी स्कैन के लिए। रेशमा ने पूछा क्यों ये एनटी स्कैन में करवाऊं, इसमें क्या होता है। एनटी स्कैन ये 3rd महीने की सोनोग्राफी है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या ये फीटस डाउन सिंड्रोमिक है या नहीं, या इस फीटस को बुद्धिमंदता आने के चांसेस है या नहीं। उसके साथ साथ इस फीटस में लिम्बर्स, फेस, ब्रेन ये तैयार हो चुका हुआ रहता है, हार्ट ये भी तैयार हुआ रहता है, तो क्या इसमें कुछ मेजर एबनॉर्मलिटी है, ये इस सोनोग्राफी में देखा जाता है। जैसे मैंने बताया डाउन सिंड्रोम, भारत में पैदा हुए 700 से 800 बेबीज में से एक बेबी को डाउन सिंड्रोम होता है। इस सिंड्रोम में हार्ट में होल होना, बुद्धिमंदता आना, फेस मंगोलियन जैसा दिखना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। ये सब हम 3rd महीने की सोनोग्राफी एनटी स्कैन में देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस फीटस को डाउन सिंड्रोम होने के कितनी रिस्क है। इसीलिए 3rd महीने की एनटी स्कैन करना बहुत जरूरी है। रेशमा को तो ये समझ में आ गया कि एनटी स्कैन का महत्व क्या है, बट उसने कहा कि मैडम कुछ कारणों की वजह से मैं 3rd महीने में नहीं आ सकती हूँ, क्या मैं 4th महीने में आके एनटी स्कैन करवाऊँ। तो इसका आंसर है एनटी स्कैन आपके प्रेगनेंसी के 11 हफ्ते से 14 हफ्ते में ही किया जाता है, क्योंकि इस हफ्ते में हमें पता चलता है कि इस बेबी को कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है या नहीं, और कुछ ग्रॉस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या नहीं, और अगर है तो उसी टाइम पे हम अर्ली डिसीजन ले सकते हैं। और 14 हफ्तों के बाद एनटी मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, ये बेबी की नेक के पीछे एक जगह रहती है जिसका मेजरमेंट लिया जाता है, ये जगह इसको जब संबोधते हैं एनटी, ये 3rd महीना खत्म होने के बाद यानी 14 हफ्ते के बाद मेजर नहीं कर पाते, इसीलिए एनटी स्कैन 11 to 14 weeks में करना ही जरूरी है। रेशमा को ये बात समझ में आई और उसने
तीसरे महीने में उसका सोनोग्राफी भी करवा लिया, एनटी स्कैन भी करवा लिया। एनटी स्कैन नॉर्मल है। अब रेशमा ने पूछा, मैडम मेरी माँ कह रही थी हमारे टाइम पे तो इतने सोनोग्राफीज नहीं होते थे, बट मेरी फ्रेंड ने तो मुझे अलग ही चीज बताई। उसने कहा, अरे रेशमा मेरा 5th month ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और मैंने ना मेरी 3D सोनोग्राफी करवाई। मैम मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ, मेरी माँ की सुनूँ कि मेरी फ्रेंड की सुनूँ। तो यहाँ पे रोल आता है आपके 5वें महीने की सोनोग्राफी का। जी हाँ, 5वां महीना आपके पूरे प्रेगनेंसी का एक मध्यांतर है, एक इंटरवल कह सकते हैं हम, 20 वीक्स। इस टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बेबी के जो ऑर्गन्स तैयार हो चुके हैं वो अभी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके होते हैं, और यहाँ से आगे बेबी अब सिर्फ साइज में बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है। इसीलिए इस टाइम पे एक डिटेल सोनोग्राफी की जाती है जिसमें फीटस का हेड से लेके टो तक, सर से लेके पैर तक एक डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि बेबी का ब्रेन तो ठीक है, ब्रेन में कोई गांठ तो नहीं है, फेस तो ठीक है ना, आँख और कान सब ठीक है ना, हार्ट में कोई होल तो नहीं है, होंठ में फटे हुए तो नहीं है, हाथ पैर ठीक है ना, उंगलियां कम ज़्यादा तो नहीं है, बोन्स अच्छे हैं क्या, पैर आड़े मेड़े टेढ़े तो नहीं है, स्पाइन अच्छा है क्या, ये सब डिटेल एग्जामिनेशन इस सोनोग्राफी में किया जाता है, जिसे कहते हैं एनोमली स्कैन, जो होता है 5वें महीने में। इसीलिए ये सोनोग्राफी कभी भी मिस नहीं करनी है और हर किसी को ये सोनोग्राफी जरूर करवा लेनी है। रेशमा ने ये सुन के ये सोनोग्राफी करवा ली। अब रहा अगला सवाल 3D सोनोग्राफी का। 3D सोनोग्राफी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली हमारे जैसे फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स के लिए। जब हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी या व्यंग दिखाई देता है, स्पेसिफिकली हाथ पैर फेस, तो हम 3D इमेजेस लेके उसका डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और वो पेशेंट को समझाने में भी इजी जाता है। अदरवाइज 3D सोनोग्राफी का इतना अच्छा ज़्यादा यूज नहीं है, बट कोई भी माँ के लिए अपने बेबी को 3D इमेज में देखना, तीनों डायमेंशन वाली अच्छे फोटो में देखना कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको आपके 5वें महीने में या प्रेगनेंसी में 3D सोनोग्राफी करवा लेनी है या नहीं। अब रेशमा की 5 महीने प्रेगनेंसी के पूरे हो गए। जैसे हम कोई भी बीज जमीन में बोते हैं, उसका एक छोटा सा अंकुर आ जाता है, उसके बाद एक छोटा पौधा तैयार होता है, उसके बाद वो पेड़ बनने के प्रोसेस में लग जाता है और उसका लेंथ बढ़ जाता है, पत्ते बढ़ जाते हैं। फीटस में भी वैसे ही होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, 6वें 7वें 8वें महीने में बेबी का साइज बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, और यही इंपॉर्टेंस है सोनोग्राफी का कि जानने में कि क्या बेबी का वेट बराबर है प्रेगनेंसी के हिसाब से, महीने के हिसाब से, और बेबी के आजू बाजू का पानी बराबर है या नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है आपके 8वें महीने के सोनोग्राफी, जिसे कहते हैं ग्रोथ स्कैन। ग्रोथ स्कैन ये जनरली आप 8वें महीने में कर सकते हैं, जिसमें बेबी का वजन कितना है, बेबी के आजू बाजू का पानी कैसा है वो देखा जाता है। कुछ कुछ प्रेगनेंसी में पानी कम हो जाता है, जिन महिलाओं में डायबिटीज होता है उन केसेस में पानी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कुछ कुछ महिलाओं में बेबी का वेट कम होना, वजन कम होना, ये भी दिखाई पड़ता है सोनोग्राफी पे। ऐसी कंडीशन में ये सोनोग्राफी करने के बाद हम डायग्नोसिस करके आगे कहाँ तक ये प्रेगनेंसी आगे ले जा सकते हैं, कब इसको डिलीवर करना, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए ये ग्रोथ स्कैन बहुत ही जरूरी है 8वें महीने में करना। आज हमने देखा कि कैसे नेचुरल प्रेगनेंसी जब रहती है, जिसमें कोई भी हाई रिस्क अगर नहीं है, तो कौन से सोनोग्राफीज इंपॉर्टेंट है और वो कब करने हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें सोनोग्राफी करना बार बार पड़ सकता है, जैसे कि ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, या फिर कोई लेडीज जिनमें बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, अदर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से बेबी को इफेक्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें सोनोग्राफीज बार बार करनी पड़ सकती है। और एक एडवांस टाइप ऑफ सोनोग्राफी है जिसे कहते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी। जैसे हम एडल्ट्स में इको करते हैं, वैसे ही पेट में जो बच्चा है उसका भी हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिनके मदर का एज मोर देन 35 ईयर्स है, या फिर मदर को ही कोई हार्ट डिसीज है, या फिर फैमिली में कोई हार्ट डिसीज रन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम आप
के प्रेगनेंसी के 6वें महीने में एक फिटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जिसमें फिटस के हार्ट का एक डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनोग्राफीज है और उसका कैसे यूज है, और मुझे आशा है कि रेशमा की तरह आप भी हर सोनोग्राफी का महत्व जाने और उस जो इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है वो कभी भी मिस ना करते हुए आपकी प्रेगनेंसी को एक अच्छे तरह से नेचुरल वे से आगे बढ़ाएं। मुझे आशा है कि आपके जो सोनोग्राफी के बारे में डाउट्स थे, जो भी छोटे मोटे बेसिक्स डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। आज मैं यही रुकती हूँ। धन्यवाद।